तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। 2023 में शुरुआत से ही बॉलीवुड ने बहुत धमाका मचा लिया। अब लग रहा है पैन इंडिया मूवी फिर अपनी औकात में आ रही है, मींस वो मंजर फिर आने वाला है। अरे वही जब KGF 2 चल रही थी, धनाधन ट्रिपल आर वाला मोमेंट और बाहुबली 2 वाला मोमेंट, क्योंकि भाई साहब लियो रुकने वाली नहीं है। थालापति विजय फुल तैयार है फटने के लिए अपने गर्मा गर्म कॉन्टेंट से पूरे इंडिया में एज वेल एज पूरी दुनिया में, क्योंकि मैं देख रहा हूँ तो लियो लगातार प्रमोशन कर रहा है, पोस्टर पे पोस्टर डाला है। और आज तो एक नया स्टनिंग पोस्टर, भाई मजा आ गया, जबरदस्त पोस्टर रिलीज किया गया है। बहुत धांसू लग रहा है, बहुत दमदार लग रहा है, मूवी हाइप पता लग रही है कि किस लेवल की होने वाली है। बाय गॉड दोस्तों, यकीन नहीं करोगे 15 मिनट के अंदर ही लियो के इस न्यू पोस्टर को 51,000 प्लस लाइक्स मिल चुके थे। भाई साहब थालापति विजय की अमेजिंग फैन फॉलोइंग है, अमेजिंग। और अभी मूवी को रिलीज होने के लिए पूरे 29 दिन बाकी हैं। वाकई में लियो अब ट्रेंडिंग टॉपिक बना पड़ा है, लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं मूवी का। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कहीं टाइगर श्रॉफ की गणपत को ना खा जाए ये कहीं हिंदी बेल्ट में भी। खैर ऐसा नहीं होगा क्योंकि गणपत की अलग ही फैन फॉलोइंग चल रही है। हालांकि गणपत का जो मेकर्स हैं वो अभी एक्टिव नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं चल रहा, कोई कुछ नहीं चल रहा, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग दमदार लग रही, जबरदस्त लग रही। मतलब टाइगर श्रॉफ के एक्शन के दीवाने हैं लोग, टक्कर होने वाली है दोनों ही फिल्मों में, भयंकर वाली। लेकिन एक चीज बताऊं तो लियो गणपत से ज्यादा कमाई करके ले जाएगी, थोड़ा सा ज्यादा या फिर अच्छी खासी कमाई करके लेके जाएगी, लेकिन गणपत से मुझे लग रहा है थोड़ा सा आंकड़ा लियो का हाई रहेगा। क्योंकि थालापति विजय की पैन इंडिया सुपरस्टार की जो जबरदस्त फैन फॉलोइंग है, और इसी के साथ लियो का लोग इंतजार भी काफी लंबे समय से भी कर रहे थे। दूसरी तरफ बहुत सी जगह और खासकर ओवरसीज में एडवांस बुकिंग लियो की चालू हो चुकी है। जहाँ दोस्तों जर्मनी, फ्रांस, UK, नॉर्वे में दबा के बुकिंग चल रही है, लेकिन अभी ऑफिशियल एंड प्योर डेटा UK से ही आ रहा है। नॉर्वे का अगर मैं बताऊं तो 1600 प्लस टिकट ये बेच चुके हैं वहां पर। इसी के साथ अगर मैं बताऊं तो केरला में पालक्काड डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर पालक्काड टाउन के अंदर एरिया का बताऊं तो वहां पर सुबह 4 बजे से ही शो चलाए जाने हैं। और मानोगे नहीं, कुछ एक थिएटर में सीट फुल भी हो चुकी है, हाउसफुल हो चुके हैं 100। इसी के साथ तमिलनाडु में भी लियो को लगभग 850 से 900 स्क्रीन पर रिलीज करने की प्लानिंग चल रही है, और वहां पर भी सुबह 5 बजे से स्लॉट की बुकिंग डिमांड करी जा रही है। मतलब 5 बजे से थिएटर में मूवी चलाने की डिमांड करी जा रही है तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट से। फिलहाल तो अभी 9 बजे की ही परमिशन मिली है, बट इन फ्यूचर हु नोज परमिशन मिल जाए सुबह 5 बजे से ही अगर क्राउड बहुत ज्यादा हो गया तब। इसी के साथ UK से बहुत सॉलिड रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है थालापति विजय को। जी हाँ दोस्तों, आज एडवांस बुकिंग का 4 दिन का कंप्लीट हो चुके हैं, और पहले 4 ही दिनों में मूवी 25,000 प्लस टिकट ये बेच चुके हैं अभी तक, तमिल, तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज को मिलाकर, जिसमें सबसे ज़्यादा टिकट अभी तक तमिल से बेचे गए हैं, लगभग 21,940 टिकट, और तेलुगु से बेचे गए हैं 2,410 टिकट, और हिंदी से बेचे गए हैं सबसे कम 650 टिकट के आसपास। तो ऐसा सॉलिड तवाई देखने को मिल रही है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है मूवी को। इसी के साथ आपको बता दूं तो ये अपडेटेड रिपोर्ट है आज शाम 5 बजे तक की, मतलब 20 सितंबर 5 बजे तक की, और बुकिंग लगातार चल रही है। कल आंकड़े सब बदलते हुए नजर आएंगे, कुछ एक घंटे बाद ही बदलते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ कुछ टाइम बाद भी इंडिया में भी कुछ कुछ बड़ी बड़ी सिटीज में बुकिंग ओपन हो जाएगी। हालांकि साउथ के कुछ एक प्लेसेस में बुकिंग चालू हो गई है, और वहां पर जबरदस्त रुझान देखने को भी मिल रहा है। तो मूवी बॉक्स ऑफिस में धमाल मचाने वाली है, और मुझे लग रहा है ओवरसीज से ह्यूज कलेक्शन आने वाला है, खासकर UK से देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है कि लियो फर्स्ट डे 100 करोड़ का आंकड़ा टच करेगी पूरी दुनिया से? दूसरी बात, टाइगर श्रॉफ की गणपत और लियो में ज्यादा कमाई कौन करके जाने वाला है, ये आप लोग बताएंगे कमेंट पर फटाफट। और फर्स्ट डे सबसे बड़ी ओपनिंग किसकी हो सकती है, क्या लियो की या गणपत की? 100 करोड़ की सॉलिड ओपनिंग फर्स्ट डे पर कौन सी मूवी ले सकती है, लियो या गणपत? ये आप लोग बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स पर। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड, हॉलीवुड, साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसी जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा, अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगले वीडियो में, जय हिंद।